अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है बिहारी मसाला टिक्का बोटी। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप दही। होममेड दही यूज़ कर रही हूँ मैं इसके लिए। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 पैकेट बिहारी मसाला, किसी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। फ्राई प्याज है 1 कप डाल रही हूँ, एक टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 4-5 टेबल स्पून ऑयल डाला है मैंने इसमें। पपीते का पेस्ट छिलकों के साथ मैंने पीस लिया था, 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें पपीते का पेस्ट डाला है। लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून, मिर्चें आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कीजिएगा, 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 2 मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मसालों को मिक्स करना है। मसाले हमने तमाम मिक्स कर लिए हैं। इसमें डाल देते हैं बीफ। मैं बीफ का मीट यूज़ कर रही हूँ, आप मटन में भी इसको बना सकते हैं। 2 kg मैंने इसके लिए बीफ का मीट यूज़ किया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं तमाम मसालों के साथ गोश्त को। अच्छी तरह मैरिनेट करके ओवरनाइट इसको फ्रिज में रखना। ओवरनाइट ज़रूर फ्रिज में रखिएगा मैरिनेट करके, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ओवरनाइट हमने मैरिनेट करके फ्रिज में रखा था। अब इसकी सीखें तैयार कर लेते हैं। ज़रूर बनाइएगा बिहारी मसाला टिक्का बोटी, बहुत ही मज़ेदार ये बनती हैं। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनी थी ये टिक्का बोटी। सीखें हमने तैयार कर ली हैं, अब इसको बारबेक्यू करेंगे। बिहारी मसाला टिक्का बोटी हमारी तैयार हो चुकी है।